दोस्तों 0.5 kV है 90 to 300 वोल्ट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वायरिंग सर्किट डायग्राम एंड ट्रांसफार्मर डाटा बताएंगे, सभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये चैनल बनाने का पीछे मकसद है कि आसान तरीके से मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के बारे में बता सकूँ। अगर दोस्तों इस चैनल के बारे में कुछ आपके पास सुझाव होगा या फिर कुछ आइडिया होगा इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के बारे में, वो हमें दें। तो दोस्तों, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं कहें तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ये 0.5 kVA का है स्टेबलाइजर, 90 वोल्ट ऑटोमेटिक। ये इससे फ्री चलाते हैं हम लोग, फ्री से ज़्यादातर ये बनता है। चलिए इसको हम लोग वीडियो समझेंगे। और 90 इनपुट का जो है नॉर्मल कनेक्टेड में रहेगा, 130 जो है सेकेंड वाले रेडियो नॉर्मल कनेक्टेड में रहेगा, 166 जो है थर्ड रिले के नॉर्मली ओपन में रहेगा, और 190 जो है सेकेंड रिले के नॉर्मली ओपन में रहेगा, 200 जो है वो है आपका नॉर्मली कनेक्टेड में रहेगा थर्ड रिले में, और थर्ड रिले के पोल से आपका पोल से जो है फोर्थ रिले के नॉर्मली ओपन में कनेक्शन में रह जाएगा। ये एक जम्पर लग जाएगा यहाँ से यहाँ। उसके बाद और पहले वाला जो 90 वाला है, वहाँ से नॉर्मली ओपन से सेकेंड वाला के पोल में कनेक्शन हो जाएगा। इसमें जो सेंसिंग ट्रांसफार्मर है उसके थ्रू दो सर्किट में चला जाएगा, और मेन ट्रांसफार्मर से जो है आपका वो थर्ड और फोर्थ का रिले में सप्लाई चला जाएगा। देख रहे हैं दो दो जो ये डिजिटल सर्किट का कनेक्शन किस तरह करना है। ये जो दो है 22 वोल्ट चला जाएगा, और उसके बाद जो आएगा वो सब में कॉमन हो जाएगा रिले में, और उसके बाद जो है सेकेंड रिले में चला जाएगा, और उसके बाद में जो है फर्स्ट रिले में चला जाएगा, उसके बाद में जो है आपका थर्ड रिले में चला जाएगा, और जो लास्ट का है ये आपका आउटपुट के रिले में चला जाएगा। इस तरह कनेक्शन करना है दोस्तों, ये डिजिटल सर्किट का डायग्राम है। दोस्तों, ये 0.5 kVA 90 इनपुट का स्टेबलाइजर है जो फ्री चलाते हैं, इससे उसका ही है स्टेबलाइजर का डाटा। ये 30 नंबर का तार लपेटना है प्राइमरी से, सेकेंडरी सेम रहेगा, कोर नंबर रहेगा 3, साइज 2 इंच में रहेगा, और इसको 90 वोल्ट के लिए 405 टर्न लपेटना है, 405 टर्न लपेटना है, और 130 वोल्ट के लिए 585 टर्न लपेटना है, 166 के वोल्ट के लिए 747 टर्न लपेटना है, 190 वोल्ट के लिए 855 टर्न लपेटना है, 200 वोल्ट के लिए 900 टर्न लपेटना है, और इसमें 909 बनाना होगा दोस्तों। इसमें 909 बनाएंगे या फिर 12012 बनाएंगे, इसके लिए 36 टर्न लपेटेंगे, इसमें 35 नंबर का तार से रहेगा दोस्तों। और ये सर्किट बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।